हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आपको पता है कि क्राइम क्या होता है, राइट? यू नो व्हाट क्राइम इज। क्रिमिनल हम किन्हें कहते हैं एंड एंथ्रोपोलॉजी क्या है, फाइन। बट स्टिल यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज एडेड है। फर्स्ट टर्म है क्रिमिनल, दूसरा टर्म है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये दोनों मिलके एक टर्म बना रहे हैं, दैट इज क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। सो ये दोनों वर्ड्स का एसोसिएशन एक दूसरे के साथ है। तो हमें सबसे पहले समझना है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है एंड क्रिमिनोलॉजी क्या है। सो यहाँ पे क्रिमिनल वर्ड को हमने थोड़ा सा चेंज किया है क्रिमिनोलॉजी, क्योंकि जो क्रिमिनल क्राइम इनसे रिलेटेड आप जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं वो क्रिमिनोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक एंथ्रोपोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी। मैंने क्या बोला, ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। एक टर्मिनोलॉजी हमने देखी, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी। देखो LOGY, लॉजी लग गया, मतलब ये कोई भी जो स्टडी है वो साइंटिफिक होने वाली है। सो एंथ्रोपोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। ह्यूमैनिटी का मतलब ऐसे नहीं कि इट इज अ सोशल साइंस, इट इज लाइक ह्यूमैनिटी भी इंक्लूडेड है एंड बायोलॉजी साइंस भी इंक्लूडेड है। सो एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर भी पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग ह्यूमन बिहेवियर पढ़ेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी आप पढ़ोगे इसमें, ह्यूमंस के कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो भी लैंग्वेजेस ह्यूमंस बोलते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इवन आई हैड एंथ्रोपोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट इन माई ग्रेजुएशन, सो लाइक आई लाइक दैट सब्जेक्ट पर्सनली। एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आप क्या पढ़ते हो, आप ह्यूमंस के बारे में पढ़ोगे, ओवरऑल सोशली उन्होंने कैसे इवॉल्व किया, बायोलॉजिकली उन्होंने कैसे इवॉल्व किया। सो सोशल एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आप पढ़ते हो एंथ्रोपोलॉजी में। एंड जब हम इस एंथ्रोपोलॉजी को क्रिमिनोलॉजी से एसोसिएट कर देते हैं, या फिर हम फॉरेंसिक से एसोसिएट करेंगे इन अदर वर्ड्स, सो लिंग्विस्टिक भी पढ़ेंगे बोथ इन द प्रेजेंट एंड पास्ट। ऑफकोर्स प्रेजेंट एंड पास्ट के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ना है कि अभी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, पास्ट में एंथ्रोपोलॉजी में क्या अपडेट था। ठीक है, इंक्लूडिंग पास्ट ह्यूमन स्पीशीज। सो जितनी भी पास्ट ह्यूमन स्पीशीज थी तब से लेके अब तक जो भी डेवलपमेंट हुई है फिजिकली एंड सोशली, वो सारा कुछ हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। क्रिमिनोलॉजी क्या है, ये लैटिन ग्रीक टर्म है। लैटिन टर्म क्रिमिन, जैसे हम कहते हैं एक्यूजेशन या फिर रिलेटेड है या क्राइम क्रिमिनल से। एंड दी अदर वर्ड दैट इज लॉजी का मतलब होता है लोगोस या फिर मीनिंग या फिर स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल इज नथिंग बट योर क्रिमिनोलॉजी। जब आप किसी क्रिमिनल को समझने की कोशिश करते हो या फिर उन पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो वो होती है क्रिमिनोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ क्राइम एंड डेविएंट बिहेवियर। डेविएंट बिहेवियर क्या है, नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर जो ह्यूमन का होता है उससे डेविएंट, मतलब डेविएट हो गया उस पर्सन का बिहेवियर, राइट? अगर कोई पर्सन क्राइम में इन्वॉल्व है तो नॉर्मल बिहेवियर हम कह सकते हैं किसी भी ह्यूमन का, उससे डेविएशन हो गया, तो चेंज इन बिहेवियर हम ये कह सकते हैं, चेंज इन बिहेवियर एक बुरे वे में, तो वो डेविएंट बिहेवियर हो गया, डेविएशन हो गया उस पर्सन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है नॉर्मल बिहेवियर से बुरे बिहेवियर में। सो एंथ्रोपोलॉजी क्रिमिनोलॉजी क्लियर है। अब क्रिमिनोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी को हम एसोसिएट करके क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, यहाँ पे हम समझेंगे कि क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी इट इज अ एसोसिएशन बिटवीन एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, हम एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट्स के बेसिस पे किसी भी क्रिमिनल को जज करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे एंथ्रोपोलॉजिकल फीचर है अगर किसी पर्सन में है तो वो क्रिमिनल हो सकते हैं, है ना। हमने क्रिमिनोलॉजी में तीन थ्योरीज पढ़ी है, बायोलॉजिकल थ्योरी, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल। ठीक है, सोशल, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। सो ये तीन थ्योरीज क्या कहती है कि किसी भी पर्सन के क्रिमिनल बनने में ये तीन फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। सोशल इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट होता है, सोशल इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, बायोलॉजिकल भी इफेक्ट होता है। कुछ ऐसे मेंटल इलनेसेस होते हैं जो कि जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते हैं,
एंड फिजियोलॉजिकली अगर कोई भी पर्सन फिजियोलॉजिकली इंफीरियर है तो बिकॉज ऑफ दैट वो कुछ ऐसे ट्रेड्स डेवलप कर सकता है जिससे कि वो कन्वर्ट हो सकता है किसी भी क्रिमिनल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात करी कि एंथ्रोपोलॉजी, सो ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी से एसोसिएटेड है। देखो मैंने बताया कि ह्यूमन का सोशल डेवलपमेंट, सोशल एंड फिजिकल, फिजिकल सोशल एंड फिजिकल जो स्टडी है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आती है। और जब हम इन फैक्टर्स को एसोसिएट करते हैं ये पता लगाने में कि कोई भी पर्सन क्रिमिनल बन सकता है या नहीं बन सकता, तो वो इंक्लूड हो जाता है क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। सो क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी इज रेफर्ड एज क्रिमिनल, सॉरी एंथ्रोपोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी भी हम इसे कहते हैं। इट इज नथिंग बट क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी। क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी का एक और नाम है एंथ्रोपोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी। इट लिटरली मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीशीज एंड स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स। हम ह्यूमन स्पीशीज को एसोसिएट कर रहे हैं क्रिमिनल की स्टडी के लिए, ठीक है। इट इज अ फील्ड दैट ऑफर्स प्रोफाइलिंग, ठीक है। हम दो तरीके से क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। टाइप ए, इसमें आप क्या यूज करोगे? लाई डिटेक्टर यूज कर सकते हो, आप ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। टाइप बी क्या है? टाइप बी में आप फोटोग्राफ्स, बॉडीली मेजरमेंट्स, बॉडी मेजरमेंट, इनके थ्रू आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो जो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है, आपने एंथ्रोपोमेट्री भी पढ़ी होगी, है ना। एंथ्रोपोमेट्री में हम बॉडीली मेजरमेंट्स लेते हैं एंड देन बॉडी मेजरमेंट से हम किसी भी क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सो ये जो मेथड है जिसे हम एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं, एंथ्रोपोमेट्री मतलब मेजरमेंट्स, एंथ्रोपो मीन्स आपकी ह्यूमन बॉडी का मेजरमेंट, राइट। सो जो क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी है, ये जो एंथ्रोपोमेट्री है वो भी क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी में इंक्लूड होगा बिकॉज हम बॉडीली मेजरमेंट के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करना चाह रहे हैं किसी भी एक इंसान का, फाइन। सो ये जो फील्ड है क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी की, ये आपको ऑफर करती है प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन द परसीव्ड लिंक्स बिटवीन द नेचर ऑफ क्राइम एंड पर्सनैलिटी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ पे फिर से आगे फिजिकल अपीयरेंस इंपॉर्टेंट टर्म है, ये किसी भी ऑफेंडर का फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट दी क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी विच इंक्लूड्स एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। जब आपने फोरेंसिक्स पढ़ी होगी तो आपने एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो के बारे में भी पढ़ा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे अल्फोंस बर्टोलोन, जिन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक शुरू की थी, बॉडीली मेजरमेंट के थ्रू आइडेंटिफिकेशन शुरू की थी। बट जब फिंगरप्रिंट डेवलप हो गया, फिंगरप्रिंट यूज किया जाने लगा, तो एंथ्रोपोमेट्री लाइक बैक ट्रैक में चली गई एंड उसको उतना ऑथेंटिक नहीं माना गया। अब जो क्रिमिनल एंथ्रोपोमेट्री है, इट इज रिजर्व्ड, ऐसे वर्ड्स में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी इज जनरली रिजर्व्ड फॉर वर्क ऑफ द इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब ये इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या है? देखो जो क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनल बिहेवियर। सो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने क्रिमिनल बिहेवियर को समझाने की कोशिश करी एंड इसके लिए हम पढ़ते हैं स्कूल्स या थ्योरीज ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सो ये मेजर 7 थ्योरीज थी क्रिमिनोलॉजी की, 7 स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी हम पढ़ते हैं फोरेंसिक क्रिमिनोलॉजी में। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो थी प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, फिर आई क्लासिकल, फिर नियो क्लासिकल, पॉजिटिव, क्लिनिकल, सोशियोलॉजिकल एंड मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। तो इन सारे स्कूल्स एंड थ्योरीज में कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपने साइड से क्रिमिनल बिहेवियर या क्रिमिनल्स के लिए थ्योरीज दी है, ठीक है। सो सबसे पहले जब क्रिमिनल प्री क्लासिकल थ्योरी आई, प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थ्योरी आई, तो इसमें साइंटिस्ट ने कहा कि कोई भी पर्सन क्रिमिनल नहीं है, ये कोई डीमन ऐसा है जो इन्हें मोटिवेट करता है फॉर बैड बिहेवियर या फिर क्राइम्स के लिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। फिर क्लासिकल स्कूल, नियो क्लासिकल स्कूल, पॉजिटिव, क्लिनिकल, सोशियोलॉजिकल, मॉडर्न, इन सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर को बताया। एक स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी थी इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी साइंटिस्ट थे, जैसे कि सीजर लंब्रोसो, एनरिको फेरी एंड राफेलो गैल्फेलो, ये तीनों साइंटिस्ट थे, ठीक है, 3-4 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। ये 3 साइंटिस्ट स्टार साइंटिस्ट है, फेमस साइंटिस्ट है, जिन्होंने थ्योरी दी एंड
ये सारे के सारे इटालियन थे, इसलिए हम इन्हें इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोल, वेट वेट वेट, इट इज क्लासिकल स्कूल, सॉरी, इट इज क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, फाइन। ठीक है, क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जिसे हम इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं, 19th सेंचुरी में सीजर लेम्ब्रोसो, एनरिको फेरी, रफेलो गैरोफेलो एंड लोरेंजो, ये सारे के सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की। लेम्ब्रोसो का ये मानना था, ये भी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, स्टार मार्क, इनका ये मानना था कि क्रिमिनल्स क्या होते हैं, दे वर बॉर्न विद डिफेक्टेड इंफीरियर फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है, इनका ये मानना था कि जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो ऑलरेडी वो पैदा ही होते हैं डिफेक्टेड इंफीरियर फिजियोलॉजिकल फीचर्स के साथ। ठीक है, डिफेक्टिव फिजियोलॉजिकल फीचर्स मतलब हाइट कम होगी, फोरहेड बड़ा होगा, या फिर जो इनका फेशियल फीचर होता है वो बुरा होता है, इनका कहना था। एंड उन्होंने ही ये टर्म पॉपुलराइज किया, जैसे हम कहते हैं बॉर्न क्रिमिनल्स, बट ये सही नहीं था। ऑफकोर्स अगर किसी पर्सन का कोई अपियरेंस किसी पर्टिकुलर वे में है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो क्रिमिनल बन ही जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि उस पर्सन को मोटिवेट करे टू लाइक बिहेव इन अ सच अ वे, क्रिमिनल वे में। ठीक है, बट इन्होंने कम्प्लीटली ये कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फीचर्स ही ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कोई क्राइम करता है, एंड क्रिमिनल बिहेवियर के लिए फिजिकल फीचर से रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने ये दो टर्म और फेमस किए, एटविज्म, इनहेरिडिटरी डिस्पोजिशन, मतलब इनका कहना था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भी ये फिजिकल फीचर्स जाते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की भी फैमिली में कोई एक क्रिमिनल हो गया तो फिर सारे क्रिमिनल हो जाएंगे, राइट। अब हमने ये बताना है, अब हमने ये देखना है कि ये जो सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। सेजर लम्ब्रोसो का मानना था कि लम्ब्रोसो ने बोला कि कुछ ऐसे डिफरेंट फिजिकल एनोमैलीज, एनोमैलीज मतलब डिफेक्ट्स, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो कि ये कंफर्म करते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल हायर रिस्क पे है या नहीं है क्रिमिनल बनने के लिए। ही बिलीव दैट फिजिकल डिफेक्ट्स वेयर अ मोटिवेशन बिहाइंड द क्राइम, एंड बाय हैविंग द जेनेटिक्स ऑफ इंडिविजुअल रिवर्ट टू सब ह्यूमन एंड प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू द एप्स एंड देन मॉडर्न सेवेज कुड बी आइडेंटिफाइड। तो इनका कहने का मतलब था जैसे कि प्रिमिटिव ह्यूमंस जो होते थे, अगर किसी भी पर्सन के फीचर्स प्रिमिटिव ह्यूमन जैसे हैं तो वो क्रिमिनल्स हो सकते हैं। एनरिको फेरी का कहना था कि इन्होंने लैम्ब्रोसो के साथ रिसर्च करी थी, बट इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी पर्सन को क्रिमिनल बनने के लिए। ठीक है, सो उन्होंने तीन कैटेगराइज, तीन ऐसे सिचुएशन बताई जिसमें कोई भी पर्सन क्रिमिनल बन सकता है। फिजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स, इन्होंने बोला कि फिजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजियोलॉजिकल एंड सोशल, सॉरी, चार, यहाँ पे चार पॉइंट्स ऐसे हैं, सोशल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल। तो उन्होंने इतने सारे फैक्टर्स बताए कि ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी पर्सन की क्रिमिनल बनने के लिए। ओके, देन रफेलो गैरोफेलो, सो इनका अकॉर्डिंग टू लैम्ब्रोसो द मेन फैक्टर लेड टू पीपल टू कमिट क्राइम्स वेयर एंथ्रोपोलॉजिकल, मतलब एंथ्रोपोलॉजी ही सिर्फ थी। इसके बाद जो रफेलो गैरोफेलो थे उन्होंने सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर लिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पिटी दैट जनरेट्स क्राइम अगेंस्ट पर्सन, व्हाइल लैक ऑफ प्रॉपर्टी लीड्स टू क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लैक ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं, दया का भाव कम है या पिटी कम हो रही है लोगों की एक दूसरे के प्रति, तो इस वजह से क्या हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन हो रहा है। तो इनका कहने का मतलब था कि कोई भी पर्सन ऐसा तभी एक्ट कर सकता है अगर उस पर्सन के अंदर पिटी एंड प्रॉपर्टी ना हो, लैक ऑफ पिटी एंड लैक ऑफ प्रॉपर्टी। सो ये रफेलो गैरोफेलो का कहना था। और ये तीनों के तीनों ही क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के एक प्रोपोनेंट्स है आप ये कह सकते हो। और दिस इज नथिंग बट दी एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, सो इनका कहना था। सो लैम्ब्रोसो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी में। इनका कहना था कि वो सारे लोग जिनकी हाइट कम है, जिनका फोरहेड बल्जी है, जिनके ऐसे फिजिकल फीचर्स हैं जो कि एप्स के जैसे हैं या फिर प्रिमिटिव ह्यूमंस के जैसे हैं, तो वो 100% श्योर क्रिमिनल्स बनेंगे। और उन्होंने इन्हें बॉर्न क्रिमिनल्स भी बोला। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। एंड सिंपल सी टर्म में ये तो क्रिमिनोलॉजी के स्कूल्स हो गए, बट क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अभी मॉडर्न डेज में
हम क्या करते हैं, बॉडीली मेजरमेंट्स लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉडीली मेजरमेंट्स एंड एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स के थ्रू जब हम क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वो क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आती है। सो आई होप ये वाला लेक्चर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इस लेक्चर में। ये तीनों जो साइंटिस्ट थे उनकी सेइंग्स या फिर उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्लियर है। ये सेवन स्कूल्स है, हम किसी